नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं खेत में जौ होता है, इसको 1 kg हमने जौ को ले लिए हैं। यहाँ पे जौ को अच्छे से हम साफ कर लेंगे बिनकर। इसको देखते हैं, इसकी तहरी बहुत टेस्टी होता है बनाने पर, और ठंडे के मौसम में जैसे देखते हैं सर्दी में इसको खाने पर ठंड उतना ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इसको हमने ले लिए हैं, तो इसको हम 2 पानी अच्छे से धो लेंगे पहले। उसके बाद देख रहे हैं ओखर और मूसर से यहाँ पे हम कूट लेंगे इसको। यहाँ पे कूट के जैसे देख रहे हैं इसकी भूसी छोड़ रही है यहाँ पे। इसको पानी से सहारे से जैसे देखते हैं पानी के फुपकार के इसको अच्छे से उसके बाद कूटा जाता है। इसको हम पानी फुपकार फुपकार के इसको कूटेंगे पहले अच्छे से। इसको कूट के थोड़ी थोड़ी देर के बाद फटक लिया जाता है। इसको 3 बार अच्छे से हम खून लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ओखर में एक उठा रहा है। अब यहाँ पे पानी लोटे में लिए हैं, तो इसको जैसे पानी को थोड़े से हल्के से डालकर खूनेंगे। इसको सूप में हम बाहर निकाल कर फिर इसको फटक लेंगे पहले, फिर फटक के इसी तरह से हम इसको कूट लेंगे। इसको जितने हम इसको कूटेंगे उतने हमारा वाइट कलर का हो जाएगा, इसको जैसे भूसी छोड़ देगा इसको अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हमने रख लिए हैं सारे चीज़ों को, इसको फटक लिए हैं। देखिए कितना सफ़ा हमारा हो गया है। तो इसको पानी से हम धो के बाहर निकाल लिए हैं। अब तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्याज, हरी मिर्चा, टमाटर एक बड़े साइज में, एक आलू हम काटे हैं यहाँ पर। यहाँ पे देख रहे हैं टमाटर हैं, हरी मिर्च 2 काटे हैं छोटे साइज में, यहाँ पे प्याज हमने 2 पीस काटे हैं, यहाँ पे लहसुन और यहाँ पे धनिया पत्ती। इस सभी चीज़ों को हम अच्छे से धोकर काट लिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कितना ये सफ़ा हो गया है कूटने के बाद। यहाँ पे हम रख लिए हैं इसको। तो अब पानी में इसको सफ़े से हम धो लेंगे पहले। इसको जैसे देखते हैं भूसी भी देखिए कितना इसमें से निकल गया है फटकने के बाद से। इसकी खाने के बाद बहुत टेस्टी होता है, जैसे देखते हैं बिरवल की खिचड़ी बोला जाता है उसी तरह से रहता है। ज़्यादा समय तक ये पकता है, पहले इस पूरे 8-9 सीटी ले लेता है तब अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पर हम गर्म पानी इसमें डालेंगे, जाके इसको भूसी जो अंदर में हो और अच्छे से छूट जाए इसका। इसमें गुनगुने पानी हम करके इसमें डाल दिए हैं, तो हाथ से इसको अच्छे से मल लेंगे हम पहले। इसको मल के हम 3-4 पानी धोएंगे पहले। थोड़ी देर तक छोड़ छोड़ के इसको अच्छे से सफ़े से मल लेंगे हम इसको हाथ से। इसको ढक कर रख दिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम तेल डाल लिए, जीरा डालें 1/2 चम्मच, यहाँ पे हींग डाले हैं 1/2 चम्मच छोटे चम्मच से, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को खलबट्टे में खून कर हम डाले हैं। अब यहाँ पे प्याज को बारी हुई काटे थे उसको भी डाल दिए। इन सभी तड़कियों को हम थोड़ी देर तक भून लेंगे पहले। इसमें आलू भी डालकर साथ में भूनेंगे हम। आलू भी अब पड़ गया इसमें, तो अच्छे से इसको भी भून ले रहे हैं। अब यहाँ पे चने की दाल हम धो कर रखे हैं उसको भी डाल दे रहे हैं। चने को भी दाल को डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं चलाकर। इस तरह से तहरी आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी होगा तहरी। इसकी तहरी जैसे देखते हैं बच्चों को भी बहुत फायदा करता है खाने पे, सूप जैसे इसको बनाकर आप खिला सकते हैं बच्चों को। इसमें 1 चम्मच हम मसाला डाले हैं, मसाले को भी अच्छे से चला ले रहे हैं पहले। इसमें छोटे चम्मच से 2 चम्मच हल्दी डालेंगे हम। दो चम्मच हल्दी भी इसमें डाल दिए। अब इसमें जैसे देख रहे हैं डाल दिए हम इसको, तो
अब इसको ढक देंगे थोड़ी पानी डालकर, इसको पकाएंगे मसाले को। अब हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। यहाँ पे देख रहे हैं हम इसको धोकर रखे हैं, तो इसको डाल दे रहे हैं जौ को। तो दोस्तों इसको शहर में अलग तरीके से कोई नाम से जाना जाता होगा, जैसे देखते हैं कि किराने की दुकान पे मिल जाता है अक्सर करके ये सामान। इसको अच्छे से हम चला लिए हैं। अब एक बार ज़रूर इसका तहरी बनाकर आप खा कर देखें पहले, बहुत टेस्टी होता है। पहले ज़माने में इसी तरह से लोग बनाते थे या खाते थे। यहाँ पे इसको चूरने तक हम पानी पकने तक अच्छे से डाल लेंगे। पहले एक कप पानी हम डाल दिए हैं, तो एक कप और पानी इसमें डालेंगे। अब यहाँ पे डाल दिए हम पानी को भरपूर। अब इसमें जैसे देख रहे हैं अपने स्वाद के अनुसार से हम नमक डालेंगे। ये जब जान जाइए आपका पक गया, अच्छे से 8-9 सीटी अच्छे से ले लिया है, तब इसमें आप टमाटर धनिया पत्ता ऐड करें। इसमें जैसे देख रहे हैं 3 चम्मच हम नमक डालेंगे। अपने स्वाद के अनुसार से हम नमक डाल दिए। यहाँ पे देख रहे हैं छोटी बच्ची है, धनिया पत्ती लेकर आ गई। यहाँ पे इसको हम डालकर पहले अच्छे से हम कर दे रहे हैं ढककर। अब अच्छे से हमारा ये 8 सीटी पकाए हैं, इसको अच्छे से हम सीटी निकाल दे रहे हैं इसका। अब इसको हम चला ले रहे हैं पहले चम्मच से। टमाटर धनिया पत्ती इसमें हम डाल दे रहे हैं। अब बहुत अच्छा कलर हमारे तरी का आ गया है। तो देखिए बहुत अच्छा से चुर गया है, बहुत अच्छा से बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाए तो आपके पास हमारा वीडियो बहुत आसानी से पहुँच जाए। यहाँ पे देख रहे हैं बॉल में निकाल के रख लिए हैं अब हम। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए, फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे।